चलिए अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस कंसेप्ट को ऑलरेडी हम एग्जाम्पल में समझा रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखा था, फिर भी हम फिर से इस कंसेप्ट को डील कर रहे हैं। देखें, इस बार बोला जा रहा है कि ए एंड बी एक्यूट एंगल्स है, तो हमें पता है राइट एंगल में क्या है, ये एक्यूट होता ही है। इस तरह से कि कॉस ए और कॉस बी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं, तो हमें बताना है कि ए और बी एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये हमें प्रूव करनी है, शो करनी है, दिखानी है। तो मैंने कल भी बताया था कि जब भी ऐसा कंडीशन आए तो हमें दो ट्रेंगल लेना होगा, जिसमें एक ट्रेंगल में एक एंगल को और दूसरे में दूसरे एंगल को, हमने ए दिखाया और बी दिखाया, पूरा कंसेप्ट इसी एंगल पे तो होता है। और कोशिश करेंगे कि इन तीनों साइड में रिलेशन निकाला जाए, कैसा रिलेशन है पता लग जाएंगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एंगल में पता लग जाएंगे। ये आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े भी हुईगा, नहीं तो आपको ज्योमेट्री में मेरे द्वारा भी समझाया जाएगा, ठीक है ना। चलें, ए है, बाकी मैं नाम रख रहा हूँ इसे एम एन, ये क्या है पी और ये क्या है आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कॉस ए का, तो आपको पता है सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, और जो बचता है बेस। वैसे ही 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, और एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कॉस ए क्या बताओगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए एन अपॉन ए एम। और कॉस बी कोई बोला जाए तो क्या होगा, कॉस बी बेस बी आर अपॉन हाइपोटेनस बी पी, ठीक है। और दिया क्या गया है, गिवन कंडीशन है कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या, साइड्स में अगर बोले तो ए एन अपॉन ए एम इक्वल है बी आर अपॉन बी पी के, ठीक है ना। अब हमें दोनों में रिलेशन चाहिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। ए एन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी आर, ए एन के कॉरस्पॉन्डिंग बी आर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं ए एन और इसे लाया नीचे बी आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या है ए एम, ऊपर जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, और ये बी पी। क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या होता है, ए एम ऊपर गया और बी आर, ए एम ऊपर गया और बी पी ऑलरेडी तो है ही, ठीक है। और ये रेशियो है, तो मैंने मान लिया कि के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन किस में बचा, एम एन में, और यहाँ पे पी आर में। ये हमें पता नहीं कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, निकालने का कोशिश करते हैं। हमारा एम एन है, तो एम एन एक्चुअल में परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, ए एम है तो ए एम स्क्वायर माइनस बेस कितना है, ए एन है तो ए एन स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको नहीं। लेकिन ए एम यहाँ से हम पता कर सकते हैं ना, के टाइम्स ऑफ बी पी, के टाइम्स ऑफ बी पी स्क्वायर माइनस ए एन पता कर सकते हैं ना, के टाइम्स ऑफ बी आर स्क्वायर, के टाइम्स ऑफ यहाँ से क्या बता सकते हैं, देखें के स्क्वायर बी पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर। यहाँ से हम के स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक के बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रहा, बी पी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ऐसा क्यों किया गया, देखिए अब सेकेंड ट्रायंगल आप जब कंसीडर कीजिएगा तो आपको पता लग जाएंगे। यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि सर ऐसे क्यों किए। देखिए जब क्वेश्चन आप लगाओगे ना, तो आपको पता चल जाते हैं कि आगे कैसे उसे प्रोसीड करना है।
क्वेश्चन लगाने से एक्सपीरियंस आती है, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन कराई जा रही है उसे तो करें ही, और इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके जो भी जिस भी बोर्ड से आप हो उस बोर्ड के उठाएं और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे चली जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पी आर ट्रेंगल बी पी आर से क्या बोल सकते हैं, अगर मुझे चाहिए पी आर तो क्या मैं बोलूँ, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे बी पी स्क्वायर माइनस बेस क्या है बी आर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा कितना है पी आर क्या हो गया, पी आर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी पी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब दो को तीन से डिवाइड करो, थर्ड क्या आएगा देखिए, दो क्या है एम एन है, एम एन अपॉन पी आर क्या आया के टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी पी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर अपॉन क्या है स्क्वायर रूट ऑफ बी पी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, दोनों इक्वल है तो कैंसिल, क्या बचा कि, तो आप देखें एम एन अपॉन पी आर के इक्वल है इक्वेशन नंबर फोर। तो बोल सकते हैं इक्वेशन वन में इन दोनों का रेशियो के इक्वल है और एम एन अपॉन पी आर का रेशियो भी के इक्वल है, तो ये तीनों रेशियो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, मीन्स एन अपॉन बी आर इज इक्वल टू एम अपॉन बी पी, और यही इक्वल होगा एम एन अपॉन पी आर के, और ये किसके इक्वल है के, देखिए दोनों ट्रेंगल में हमें क्या मिला ए एन और बी आर का रेशियो जो होगा वही रेशियो एम एन अपॉन पी आर का होगा, वही रेशियो ए एम अपॉन बी पी का होगा, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में क्या है इक्वल है, तो इनके साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल होंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि ट्रेंगल अगर साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो ट्रेंगल ए एम एन सिमिलर होगा ट्रेंगल बी पी आर के, ट्रेंगल बी पी आर के, समझ पा रहे हैं ना। तो जब सिमिलर हो गया दोनों ट्रेंगल तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग बी एंगल और इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ए एंगल इक्वल होंगे, या अगर हमसे ऐसा पूछता कि एंगल एम इक्वल होगा एंगल पी के तो मैं बोलता होगा देखें, बाकी तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, देख ही रहे आप। तो यहाँ से मेरा क्या हुआ प्रूव्ड हो गया जो रिजल्ट वो पूछ रहा था, ठीक है ना, ओके।